इरादा कर लिया है तो फिर किसी जरूरतमंद की जरूरत नहीं है, और हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। जो पढ़ के तंकीद करता है उसका जमीर क्या रहता है कि बात सच्ची है, लेकिन वो अपनी फेस सेविंग के लिए उसके ऊपर वो वर्डिंग करता है। आप इसको एक पिक्चर लेके आए और एक आपको मशवरा दे रहा हूँ, बहुत ही मुफीद, बहुत मुफीद। यहाँ पे हाफिज़े कुरान बनना मुश्किल है, मुहाफ़िज़े कुरान बनना तो आसान है ना, एक सेकंड में बंदा आलम बन जाता है, फतवे बांटना शुरू कर देता है मौत के, जिंदगी के, जला दो जला दो जला दो। ये आपको इसलिए मैं दायमा से बात कर रहा हूँ कि आपने जो अल्फाज है ना, अल्फाज के ऊपर भी पर्दे होते हैं जी। वो पर्दा नहीं उतारना, फितरत नंगी तलवार है ना। अब नंगी तलवार का मतलब है कि इस पर माफी कोई नहीं है, सीधा सही है तो बच गया, गलत है तो गर्दन उठ गई। तो उसका बेहतरीन कुलिया कि अल्फाज पे पर्दे चढ़ाने हैं आपने, क्योंकि यहाँ कईयों को हजम नहीं होती है सही चीज, सही खुराक हजम नहीं होती है। ये आर्टिफिशियल हो, ये बर्गर शर्गर जो है वो खिलाओ, खा लेंगे, जब वो खाली चीज दोगे तो बदहजमी हो जाएगी। बदहजमी वाले ज्यादा है, हजम करने वाले कम है। क्योंकि एक बात करते हैं, इसने मस्जिद की बेहरमती कर दी, बस उसकी फैमिली को जला दिया, ना कोई देखा ना कोई इन्वेस्टिगेट किया, कोई तस्दीक तसल्ली नहीं, तसल्ली नहीं। और आपको एक मिसाल दूं, कायनात की सबसे बड़ी मिसाल आका है दो जहां हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपके दौरे पाक में देख ले किसी का सर कलम हुआ दीन दुश्मन का, जिसने दीन पे बात की तो आपने कहा बैठो सामने बैठ के तो दलील दो। दीन अमन का नाम है, इस्लाम सलामती का नाम है। आपने कहा बैठे बोलो, जो बैठ गया फिर वो पांव में बैठ गया, उसकी तसीह होगी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ मैं पंजाबी का शेर है वो अक्सर सुनाता होता, हर कोई रब नू लभदा फिरदा लै अपना उनवान। कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता, हर कोई रब नू लभदा फिरदा लै अपना उनवान। जंगलों के विच जोगी फिरदे ते तख्तां ते सुल्तान, पंडित ने भी बलिया होया इटा विच भगवान, मुल्ला ने भी बाहर मसीतों रब नहीं दिता जा। अल्लाह सबका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत सबके, इनके बगैर हमारी क्या औकात है सीयत बताए कुछ। हमारा अल्लाह का कर्म हमारे ऊपर फजल है कि इनके मानने वाले हमें बना दिया उसने, ना बनाता। इतना बड़ा वसीला, इतने बड़े वसीले किसी को नहीं मिले जो हमें मिले, एक से एक बढ़ के वसीला। हम फिर उसी चक्कर में पड़ गए, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये हनफी है। मैं एक दूसरी बात एक मेरी ना, ये आप बाकी जरा नोट कर लिया करें, फिरके पे मैं नहीं बात करता, फिरके पे बात करना फितना है। जो जहां लगा लगा रहने दो, मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप का जिम्मेदार हूँ, अपना जिम्मेदार हूँ, तो मैं अपने आप को सही रखूं। या मैं यूं करूंगा तो कितनी उंगलियां मेरी तरफ, जो जहां लगा है लगा रहने दे, एहतराम करें, इज्जत करें, किसी भी शक्ल में। नाम तो अल्लाह के प्यारों के ले रहा है ना, समझ रहे मेरी बात। तो आपने जो भी लिखना ये एक एडवाइस समझ लें, कुछ भी समझ लें, प्रोटेक्शन समझ लें, आपने अल्फाज का पर्दा लाजमी रखना। इसने इसको जला दो, इसको मार दो, इसको वो कर दो। तो जाहिलीन ज्यादा है, ठीक है। तो तली करमुल्ला भाई सरकार का फरमान अजीम भी तो है ना जाहिलियत के बारे में ही, तो इससे बड़ी क्या दलील है। तो अल्लाह पाक ने भी कहा है कि जान की हिफाजत पहले, बाकी बाद में। जरूरी नहीं है कि आप चौराहे में खड़े हो जाएं, मौका दें किसी को, आप अपना एग्जॉस्ट करें, लिखें अल्फाज की शक्ल में लेके आप उसको प्रिंट करवाते हैं और उसको इस शेप में लिखें कि जो पढ़े ना उसको मीठा लगे। हाँ, छेड़ना नहीं किसी को। ये भिड़े होती है ना, पीली भिड़े जो छेड़ता फिर उसी के पीछे पड़ती है ना। अब भिड़े पर तो बड़े बैठे रहने, तो हमें क्या जो होता है भिड़ों में छेड़ने। ये जो हमारा है ना इस वक्त सोसाइटी का, ये है कांटे, खारदार रास्ते हैं। इसमें बहादुरी, अकलमंदी, समझदारी ये है कि अपना दामन बचा के गुजर जाओ। और एक मैं बड़ी पुट्ठी सी मिसाल देता होता हूँ, अब रास्ते पे जा रहे हो तो रास्ते में कुत्ते भी होते हैं, भौंकते हैं।
کیا آپ کتوں کے پیچھے بھاگ پڑتے ہو؟ نہیں ان کا کام اپنے کرنے دو, آپ کا کام ہے گزرنا. اگر ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے نا تو بات بڑھے گی, آپ اپنی منزل سے بھٹک جاؤ گے. تو اپنے محور سے اگر دور نکل جاؤ گے, خاک ہو جاؤ گے, راہوں میں بکھر جاؤ گے, اپنی زمین پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. جزاک اللہ, سلامت رہے. پوچھ رہے ہیں اللہ پاک صاحب کو زندگی سے تندرستی دے. آمین الہی آمین.